कहा जगत के सम्मानित श्रोता बंधु, आप सबके बीच में एक और कांड रूपी विरहा आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूँ। आशा नहीं, विश्वास है गीत पसंद आएगा। तो अपना कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोग काम करेंगे। चार लाइन की भूमिका से सीधा विरह का शुरुआत हो तो कैसे भैया आवा। की मानव की मानवता कहाँ खो गई है, अरे बन करे के दानव जो खंजर चलाए, खुदा की खुदाई को क्या हो गया है, अरे ऐसा मनुष्यता का मंदिर दिखाए, दुनिया में संसार आना यो जाना, हर एक शख्स को निभाना पड़ेगा। अरे कभी फूल की मिल जाती है सैया, कभी दुख भी जीवन में उठाना पड़ेगा। जिंदगी बाबूजी सुख दुख का जीवन है, कभी सुख कभी दुख। विराह के शुरुआत में कवि ने गजल का अंदाज दिया है, एक लाइन था वह कैसे भैया। ओ हो 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 हो, कोई भगवान का पुजारी, कोई ख्वाजा का चाहने वाला उनके मस्जिद उनके दरबार में जाकर के सजदा लगा करके बंदा अर्ज करता है खुदा से, अर्ज लगा रहा है क्या कि ऐ ख्वाजा पिया है, अरे ऐ ख्वाजा पिया हमको बुला ले मदीना, ऐ ख्वाजा गजल से बेहतर बात विरह के फर्ज में हो दुनिया वालन के बदे संसार बनाने वाले उस आत्मा परमात्मा से अर्ज लगा रही है। क्या लगा रहे हैं मास्टर साहब? अरे गमगीन वतन हाय, अरे गमगीन वतन धरती समारो रहा है, गमगीन वतन धरती समारो रहा है। मिलल हो नजम के लाइन में बताई जात हो चांद बाबू भैया कैसे आवा मास्टर साहब। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए हमीरपुर की हकीकत है, गौर से सुनिए हमीरपुर की हकीकत है, अनैतिक कर्म के फल की देती नसीहत है। गरीब सुखू लाल छोटा सा परिवार रहा, गरीब सुखू लाल छोटा सा परिवार रहा, घर में एक बेटवा एक बिटिया का दुलार रहा। सुशीला सत्य जीवन को बिताते थे, पत्नी सुशीला संग जीवन को बिताते थे, विधि का विधान यही विधान पे निपाते थे।
रिक्शा चला करके परिवार पाला करता था, गरीबी में वह जीवन बिताया करता था। धरी बीमारी जबकि आज वाला चार हुआ, धरी बीमारी जबकि आज वाला चार हुआ, अजल छोड़ मैया जीवन में सुधार हुआ। भैया हो यही उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक जिला है, जो जिला का नाम है हमीरपुर। हमीरपुर का रहे वाला सुखू लाल, घर में एक बेटवा जोन बेटवा का उम्र 7 बरिसबा, एक बिटिया है जोने का उम्र 5 बरिसबा। मुन्ना नाम लड़का का है, बिटिया का नाम विमला है। आज दुल्हन के साथ बाबूजी रिक्शा चला करके परिवार का भरण पोषण किया करता था। यही दौरान में आज सुखू लाल को कैंसर की बीमारी हुई साथियों, और बीमारी ने इस तरीके से जकड़ा कि आज सुखू लाल अधजल में अपनी पत्नी बच्चों का बाबूजी साथ छोड़ करके परमधाम को बाबूजी आज तैयारी कर लिया, परमात्मा को प्यारे हो गए। तब आज छोट छोट लड़का दुल्हन अपने सैया का सर अपने गोदी में रख के छाती पीट के छोट छोट लड़का परिवार के लोग बिलखत हो। बिरह में एक लाइन गीत लागल है चांद बाबू भैया, जियो लाल कौनो मंचली दुल्हन अपने दुल्हा से एक मांगन मांगत हो कि बाली और झुमका भुलाई जा। ए सैया कहे बाली और झुमका भुलाई जा, नथनी पे गोली चले जग से मनवाई जा। लेकिन ए पंचों आज लड़का अपने बाप का सरिया पकड़ के बाबू पापा आप कहाँ चल गईला, हम लोगन का के खिलाई के पढ़ाई के लिखाई। दुल्हन का दर्द है बाबू दुल्हनिया सोचत हो, का कहत हो मास्टर साहब। कवन दोष दे हम नसीब के, कवन दोष दे हम नसीब के, केहू ना सहारा हो ना जग में गरीब के। कवन दोष दे हम नसीब के, स्वामी तू तो दुनिया से चल गईला, लेकिन ये गरीब तोरे छोट छोट लड़कन का ये हमारे नैया का खेवन हार के होई। भैया हो गांव जवार के लोग जुटे हैं, गोद परोस परिवार के लोग समझावत हो आज सुखू लाल के दुल्हन का कि देख ये विधि का विधान है। मालिक ने जब तक तेरा उनका साथ एक सूत्र में बंधे थे, आज ये लड़कन का देख के अपने आप का संतोष और ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन बाबूजी दुल्हनिया एक बात और कहा थो का, अब क्या करे सहारे पर अब होई है नवरिया, अरे अधिजल में सैया हमारे डुबली जहाजिया। अरे कवन दोष दे अब नसीब के, कवन दोष दे अब नसीब के, केहू ना सहारा हो ना जग में गरीब के। भैया हो आज गांव देश परिवार के लोगों की मदद से आज सुखू की बाबूजी अंतिम विदाई के लिए अर्थी सजा करके जब चलने लगे, तब होता क्या है बिरह का दूसर का गीत लागत हो मास्टर साहब। ये गीतिया के स्वर्गीय रामदेव उस्ताद बुल्लू उस्ताद गावे बड़ा लहा के, कैसे गावे बुल्लू उस्ताद गावे कि हम प्रीतियो के रीतियो न जनली, ये जिंदगी जवान हो गई।
रामदेव गुरु को जब नंबर लगे तो गांव में कहां अब ही दूल्हा, अरे अब ही मुरहा, कहां अब ही दूल्हा के चढ़ली जवानी आई रे दूल्हे ना पुरान हो गई, अब ही दूल्हा के चढ़ली जवानी आई रे दूल्हे ना पुरान हो गई, अब ही दूल्हा के चढ़ली जवानी आई रे दूल्हे ना पुरान हो गई। लेकिन आज अर्थी बाबूजी सज करके सुखू के द्वार से जब गंगा घाट की ओर लोग चलते हैं तब बिलखत दुल्हन आज सबकी आंखें नम है, कहना है क्या भैया, दुख दिहले कर्म में विधनवा, दुख दिहले कर्म में विधनवा, किरतिया बिहाल हो गई, दुख दिहले कर्म में विधनवा, किरतिया बिहाल हो गई, दुख दिहले कर्म में विधनवा, किरतिया बिहाल हो गई। अरे छोट छोट तुअरन के अब के खिलाई, अब मुन्ना मुन्नी कही के बचवन के बोलाई, हमरो निकलत स्वामी परनवा, ऐसी बल हमरो निकलत परनवा, की रतिया बिहान हो गई है, हमरो निकलत भैया हो। दाह संस्कार हुआ मरघट पे ले जाकर के लोग आज सुखूलाल को अंतिम विदाई दिए, लौट करके आए कुछ दिन बाद उसका त्रयोदशी का संस्कार हुआ। धीरे धीरे बाबूजी आज सुखूलाल का दुल्हन विमला अपने लड़िकन का मेहनत मजदूरी चूल्हा चौका बर्तन कहके पालत हो। धीरे धीरे बाबूजी आज 7 बरिस का मुन्ना जब 12 बरिस का हो गई तो अपने माई का दर्द आज बेटवा से बर्दाश्त ना हो। तो रामदेव भैया मन में कहा तो कि माई, ए माई अब हम पढ़ाई लिखाई बंद करके कहा तो तुहरे साथ चल के जैसे तू मेहनत मजदूरी करत हो वैसे मेहनत मजदूरी करके हम तुहार साथ निभाई, माँ बाबूजी तो है नहीं दुनिया में लेकिन बारे वाह भागन समझाती है अपने बेटे को कि बच्चा अभी तेरी उम्र मेहनत मजदूरी करने की रही है, अरे जब तक मेरे शरीर में जा है रात दिन एक करके तुम बहन भाई को मैं पढ़ा लिखा कर कोई योग्य बनाऊंगी, लेकिन आज बेटवा से बर्दाश्त ना हो तो धीरे धीरे 5 बरिस का दिन और बीता थो पंचो 17 बरिस के जब मुन्ना हो गई, एक दिन की बात है एक साहूकार के यहाँ माँ चूल्हा चौका बर्तन का काम किया करती थी और मुन्ना किसी काम से विद्यालय में जाकर के अपनी माँ की खोज में जाता है और जब खोज में जाता है वहाँ देखता है कि उसकी माँ चूल्हा चौका बर्तन करने के बाद जब घर वापस आने लगती है उसी के यहाँ नौकरी करने वाला एक उसकी माँ की असमत के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, जब माँ की असमत इज्जत को लूटना चाहता है खतरे में पड़ गई अपनी माँ को बचाने के लिए बाबूजी बेटा तड़प उठा किसी तरीके से उस पापी के चंगुल से अपनी माँ को बचा करके घर लाया और अपनी माँ से कहता है कि मैया इस दुनिया बड़ी जालिम है, इस दुनिया वाले हमें जीने नहीं देंगे, एक काम करो मैं परदेश जाऊंगा दौलत कमा करके पाई पाई जोड़ करके आपका सपना साकार करूंगा, इसलिए कि मेरी बहन भी धीरे धीरे सयान हो रही है आज समाज को देखते हुए अपनी बहन का हाथ भी मैं पीला करूंगा, घर भी बनाऊंगा, पिताजी का सपना भी साकार करूंगा, अरे तेरा बेटा उस लायक हो गया है माँ, बिरहा की टेरी में कहना है भैया। अरे मोरे राम काशी के बदले कहे काबा मिल गया, अरे काशी के बदले काबा, काशी के बदले काबा मिल गया, फूल बन गया सूल गजरा गर्दन की फांसी, अरे हाँ फांसी, अरे हाँ फांसी, फूल बन गया सूल गजरा गर्दन की फांसी, काशी के बदले काबा मिल गया, बीर बघेला आज्ञा ले करे अरे माई से सब अर्ज लगा, चला है बंबई शहर को
इसका मुन्ना बंबई शहर में जाकर के बाबूजी एक कपड़े की मिल में नौकरी करने लगा। 5 बरिस का दिन बीता, 17 बरिस का वो मुन्ना 22 बरिस का होकर यहाँ 5 बरिस का जो उन बहिनिया रहे भैया राजू भैया, जब 18-19 बरिस का हो गई तब अपने माई से बार बार माई पूछो तो कि बेटवा कब आऊंगा। कहा मैया मैं उस दिन घर आऊंगा जिस दिन दुनिया मुझे जानेगी कि बाप के मरने के बाद बेटे ने आज माँ का और बहन का सपना साकार कर दिया। एक काम कर माँ, बढ़िया से मेरी बहन के लिए कोई रिश्ता खोज और जिस दिन मेरी बहन की रिश्ता पक्का हो जाएगा मैं घर पे उसी वक्त रवाना करूँगा। रवानगी मेरी होगी तब मैं घर आऊंगा माँ, अभी कुछ पूछे दिन और परदेश में रहने दो। यहाँ माई बाबू जी तमाम नात रिश्तेदारों की मदद से आज अपनी बिटिया का रिश्ता जब सेट करती है तब अपने बेटवा को चिट्ठी लिख के भेजा था कि बेटा तेरी बहन की शादी पड़ गई है, समय के पहले तुझे घर आकर के अपनी बहन के हाथ को पीला करवाना है और डोली में तुझे रुखसत करना है। यह चिट्ठी पाकर के मुन्ना बाबूजी आज अपने मालिक के पास पहुंचता है। विदेशिया के लाइन में कहना है चांदिया बाबा, अरे पढ़ली बहन का तबा, अरे ओ करे सगैया हो, अरे माई तब बेटावा से बोला ली बायना, चौदह या पर आयले 1918 के ही बतिया हो, अरे ललन के पास जाबा भेजा लिखा बरी, भैली तैयारी सब अब मन में भी करिया हो, अरे जल्दी से यही हलाला अपने भावना, शादी थन गई बाबूजी 14 अप्रैल 1900 ईस्वी की बात है। यह हर रिश्ता तय हो गया और अपने बेटे को कहती है कि बेटा समय के पहले तुझे समय निकाल के आना है। मालिक के पास पहुंचा, मालिक बड़ा भल मानुष था, कहा कि मुन्ना तुम मेरे यहाँ 5 वर्ष से ज्यादा का दिन हो गया, तुमने एक वर्कर के तरीके नहीं एक घर के सदस्य के तरीके मेरे मिल में काम को किया है। अरे जा पगले, जैसे तेरी बहन की शादी वैसे मेरी बहन की शादी, मैं तुझे अपनी तरफ से कुछ उपहार दे करके विदा करूंगा। आज हिसाब करने के बावजूद बाबूजी 50,000 रुपया कुछ आभूषण उसका मालिक दे करके टिकट बुक करवाता है कि कल सुबह भोर की बेला में दादर स्टेशन से गाड़ी पकड़ करके तुझे अपने घर जाना है। लेकिन ए पंचो, ये दुनिया में लोगन का कब के कर नियत बिगड़ जाए कोनो ठिकाना ना है। वही महाराष्ट्र के रहने वाला कसारा घाट का एंथोनी नाम का एक लड़का जो मुन्ना के साथ उसी मिल में नौकरी करता था, 50,000 रुपया कुछ आभूषण देकर कुछ पापी के मन में पाप बस गया। और जब पाप बस गया बाबूजी तो पपिया करता क्या है भैया, भोर की बेला में ट्रेन पकड़ना है। लेकिन रतिया में एक घटना मुन्ना के जीवन में घट जाती है। बिरहा में एक ठीक गीत लाग गया भैया बाबा शेर, अरे बाबू दरोगा जी, अरे बाबू दरोगा जी कहे नहीं बकवा नौ मोर भी पता कई और, बाबू अपनन से जीत अपनन से हार, जो मुन्ना को एक अपने घर का मित्र समझता था भाई समझता था, आज एंथोनी के दिल में एक घाट बस गई। और जब घाट बसल है भैया तो होत का है कि पापी कसैया हो, अरे पापी कसैया हो, ए भैया बनी गई ले हैवान, पापी कसैया हो, पापी कसैया हो।
हैवानियत का रूप धर कर लिया बाबूजी, पाप बस गया मन में। भोजन बनाई जहर मिलाए, मुन्ना पहुँचे मनावा है भैया, मुन्ना पहुँचे मनावा है से दिखावा, लेकिन दिल में आप पाप बसा है और उसी पाप के चलते भोजन को बनाया, थाली भी सामने लाया, लेकिन मुन्ना के भोजन में बाबूजी जहर मिला दिया। भोर की बेला में ट्रेन पकड़ना है और जहर जब पेट के अंदर गया, अशोक भैया आज मुन्ना के मुख से नाक से कान से ब्लड निकलने लगा, तड़प की धरती पर गिर पड़ा और एंथोनी से कहता, एंथोनी मेरे भाई, मेरी बहन की आज शादी भी पड़ी, मुझे घर भी जाना है, लेकिन मेरे आँख से नाक से मुख से ब्लड क्यों निकल रहा है? पापी देख रहा है बार बार, लेकिन बाबूजी दरवाजा बंद करके, इतने पर भी नहीं, दरवाजा खोल करके मुन्ना लोगों से मदद के लिए गुहार लगाना चाहता है, खींच करके धरती पर पटक दिया। सोच गया कि अगर राज खुल जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, इतने पर नहीं माना, करता क्या है, अरे चाकू उठाई हाथ काटे, अंग अंग दिया धसाई हो रामा, अंग अंग दिया धसाई हो रामा, अंग अंग दिया धसाई। अरे मरा समझ के मुन्ना को तब, अरे गटर बीच पहुंचाई कि पापी बेमानवा हो, कि आज अखंड जो बंबई महाराष्ट्र की धरती मुंबई वसी है, पूरा गटर पे वा सहर है। आज गटर का ढक्कन उठा करके मुन्ना को बाबूजी मरा समझकर गटर में डाल दिया, और गटर में डालने के बाद 50,000 रुपया बहन का अंग वस्त्र आभूषण लेकर के बाहर से दरवाजा बंद करके बाबूजी एंथोनी फरार हो गया। एहर मालिक सवेरा हुआ 8-9 की बीच में, बाबूजी जब सुबह हो गई, मील का समय हो गया, कुछ लोगों से जानकारी लिया कि मुन्ना गया कि नहीं गया, लेकिन एहर मालिक तो समझा, लोगों ने बताया कि दरवाजा बाहर से बंद, इसका मतलब मुन्ना समय से गाड़ी पकड़ करके घर को रवाना हो गया। लेकिन एक दिन बीतल, दो दिन बीतल, तीन दिन भैया हो, धीरे धीरे लाश जब सड़ने लगी, और सड़ने लगी तो लाश फूल करके बाबूजी एकदम ध्वस्त होने के कगार पे आ गई। एहर वही गटर का पानी जब ऊपर बास के रूप में बहने लगा, तब अगल बगल के रूम में जो लोग रहते थे, म्युनिसिपैलिटी के लोगों को बुला करके बाबू जब सफाई करवाए जाने लगी, आज मुन्ना का पूरा शरीर जो सड़ चुका था, शरीर सड़ चुका था, कुछ अंग में कीड़े भी पड़ गए थे। एहर मालिक को जब जानकारी हुई, मालिक से रहा नहीं गया, भाग करके आया और अपने देखरेख में पूरी लाश को निकलवा करके बाबूजी तमाम शासन प्रशासन के कानूनानुसार लाश को ताबूत में बंद करवा करके बाबूजी वायुवान से लेकर के बनारस की धरती पर आते हैं। वहां से मुन्ना कलसिया भैया हो, आज हमीरपुर मुन्ना के गौना में जब पहुंचत हो, ये हर होता क्या है, आज बरतिया बहन का आवे वाली बा, आज भाई के बाबूजी लाश दुआरी पे पहुंचत हो। बिरहा का अंतिम गीत लागत है भैया, जियो लाइन बड़ा पारंपरिक रमणी गीत लागत हो, कोनो दुल्हन का दर्द है, पिया परदेश गईले तार लागल ज्योतिया में, पिया पर ये
दुनिया के मालिक आज उसका मालिक लाश को लेवा करके एम्बुलेंस में बनारस एयरपोर्ट से बाबू हमीरपुर मुन्ना के घर पर जब दुआरी पे चलत हो एहर बहिन का वही दिन बारात आवे के पूरी तैयारी है। तमाम लोग जुटे हैं नात रिश्तेदार गांव के लोग लेकिन माई का चिंता है। मनवा में माई का फिकार भइले बबुआ मनवा में माई का फिकार भइले दिन ला सजवली दुआरिया बारह बजे दिन ला सजवली दुआरिया बारह बजे दिन ला सजवली दुआरिया अरे चरच भइल जुटे गौवा के नर नरिया चरच भइल जुटे गौवा के नर नरिया चरच भइल जुटे गौवा के नर नरिया अरे माई पीटी रोवली कपार मोरे बबुआ एम्बुलेंस से 12 बजे दिन लाश जिस वक्त मुन्ना की बाबूजी द्वार पे आती है जहाँ खुशी वहाँ गांव में चर्चा फैलत हो कि मुन्ना तू मर के बॉम्बे से आया है। एहर माई ई चिंता में है कि मुन्ना हमार नहीं आया और आया भी तो इतनी बड़ी शोक की बात जब सुनी बाबू माई पागल हो गई। एहर बहनिया के जब खबर लागत हो चांद भैया बहनिया भाई के गम में करती क्या है। एहर जहाँ उसका रिश्ता जुड़ने वाला है वहाँ के लोग जब खबर को पाए तमाम लोग आकर के मुन्ना के द्वार पर जुटे कि बाप रे बाप अरे विधाता ये क्या हो गया। गांव के लोग जो भल मानुष थे कि बारे मालिक बालापन में पिता का साया उठ गया आज कुछ बना वो भी तूने उजाड़ दिया। जैसे तैसे में होता क्या है भैया अरे पवली खबर जा बाओ कर बहिनिया अरे फसिया का झूला अब झूला ले अब भिनिया फसिया का झूला झूला ले अब भिनिया फसिया का झूला अब झूला ले अब भिनिया अरे गौवा के लोगवा लचार मोरे बबुआ हो गौवा के लोगवा लचार मोरे बबुआ हो दिल में फिकरा बरियार मोरे बबुआ हो मालिक बाबूजी मुन्ना का जाकर के माई के पकड़ के रोवत हो कि माँ आज तेरा बेटा मेरे घर के एक सदस्य के रूप में मेरी फैक्ट्री में काम करता था। एक काम करो जो विधि ने विधान में लिखा हो तो हो गया लेकिन मैं इस जड़ तक जाऊंगा मुन्ना के पापी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। मतारी पागल रूप धारण कर लिया बहनिया बाबूजी आज भाई के गम में फांसी का फंदा बना करके गले में झूल गई। ये हर भाई की अर्थी ओहर ससुराल के लोग जब उसकी बहन के पहुंचे तब तक बहनिया फांसी के फंदे पर। ये हर होता क्या है साथियों एक तरफ मुन्ना का जनाजा ढोली सज कर के अंतिम संस्कार के लिए चलती है ओहर बहन की भी अर्थी तैयार होती है। रिश्ता नहीं हुआ यहाँ की बात यहाँ छोड़े लेकिन अगवा का हो तो भैया अल्हा के लाइन में कहना है शासन पर शासन जब कहे शासन पर शासन जब अरे पवाले खबरिया बाबू शासन पर शासन जब पवाले खबरिया
रात बीता सुबेरा हुआ बाबू, इधर एक तरफ भाई की अर्थी सजी, उधर दूसरी तरफ बहन की अर्थी। लेकिन यही लिए कहना है खड़ी की लाइन में, आज लोगों के आंख में आंसू, सबके दिल में शोक, लेकिन अगवा का होता खड़ी के लाइन में कहना। अरे रोवई रांध परोसी, ए भैया रोवई रांध परोसी, अरे रोवे हवा जलिया, तये हमर बहिनी हमर भैया के उठल बाटोलिया, परोसी रोवई हम जोलिया, एवर भैया ओहर बहिनी के उठल ब डोलिया। दू दू अर्थी बाबूजी द्वार से उठकर अंतिम घाट पर चलती है। तना तरिश्तेदार दाहा, अरे संसकार कैले, अलौट के ये बाबू जब भवनवा के अइले, अरे बेटा बेटी गम में माई के, ए भैया बंद भाई बोलिया, ताये हेवर भैया हर पहिली के उठल बाटोलिया। गम में चांद भैया हो, आज माई का हार्ट अटैक भइल, मतारी भी दुनिया को छोड़ दिया, दुई अर्थी की अग्नि शांत नहीं हुई, इधर माई का भी बाबूजी आज दुनिया से नाता टूट गया। बारे दुनिया के मालिक नम है सबकी आंखें, तदाह संस्कार है आजा, अरे मैयों के भइले, अरे तुरंत बयान तब बाबू साहब कहिले, न्याय मिला बाबू, लेकिन आज ना माँ दुनिया में है ना बहन है, लेकिन बारे उस साक ने उस मालिक ने अपने मालिक होने का फर्ज अदा किया, लौट करके महाराष्ट्र की धरती पर गया, एंथोनी की खोज कराई गई, और खोज करने के बाद जेल में बंद किया गया, पूरा जुल्म इकरार किया, पूरा पैसा बहन का आभूषण अंगवस्त्र आज एंथोनी के द्वारा बाबू जी कोर्ट में सब पेश किया गया, सजा हुई, मालिक ने अपना फर्ज अदा किया। कहना है गुरु भोला गुरु बाबा दीन जी भय स्वर्ग के वासी, कथन किया गुरु दया राम गुरु दर्शन विनय अखिया, ये भैया काशी के बदले काबा मिल गया, गवैया रतना कर हृदय बीच बाटे फांसी, काशी के बदले काबा मिल गया, हृदय में बाटे फांसी हो काशी के बदले काबा मिल गया, अरे जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, अरे जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़िया पहन लो एक घंगरा सिलवा लो, अरे जाते हो तो जाओ घंगरा सिलवा लो, चूड़िया पहन लो, अब घंगरा